अच्छा, आप सबको ओम शांति और नए साल की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। फिर से चारों तरफ तपस्या का माहौल है और बाबा के बच्चे बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं जनवरी मास में। किसी का आवाज आ रहा है? आप म्यूट कर सकते हैं सभी को। हाँ, 1 मिनट। ओके, थैंक यू। तो जनवरी मास है और सभी बाबा के बच्चे अच्छी तरह से साधना कर रहे हैं और बहुत अच्छे फीडबैक और अनुभव हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही अपना उमंग उत्साह बनाए रखना, जैसे चारों तरफ एक सूक्ष्म वायरस ने धूम मचा के रखी है और ओमिक्रॉन ये जो वायरस है इसके वजह से सभी राज्यों में अलर्ट है। लेकिन हमको डरने की कोई बात नहीं है, स्पेशली जिनका इम्यूनिटी अच्छा है और जिन्होंने दोनों वैक्सीन के डोसेस लिए हुए हैं तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी हमको ध्यान रखना है, मधुबन से गाइडलाइंस आए हैं कि हाथों की स्वच्छता जो बेसिक नियम है ना, भीड़ भाड़ को अवॉइड करना और मास्क लगा के रखना। ऑनलाइन सेशन है इसलिए मास्क मैं नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, चारों तरफ ठंडी का माहौल भी है और जनवरी मास है। बहुत सारी बातें हमने 6 अध्याय में देखी है। आप में से मैं जानना चाहूंगा कि जो पहली बार ज्वाइन हुए हैं वो आज कोई है? आज से पहली बार से ज्वाइन हो रहे हैं? ऐसा कोई है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, हेमलता, अभिषेक। अच्छा, ओके। तो जो भी पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो पहले सेशंस को फिर से देख ले, क्योंकि ये लिंक है और लिंक में बहुत सारा होमवर्क दिया गया है। मैं देख रहा हूं कि कई बाबा के बच्चे होमवर्क कर नहीं पा रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि भगवद गीता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कहानी की तरह नहीं स्टडी कर सकते। आपको एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा और फिर ये आप ये पल्स को पकड़ पाएंगे, पल्स माने नब्स को पकड़ पाएंगे भगवद गीता के। तो आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। पिछले सैटरडे को सचिन भाई को याद है कि कुछ होमवर्क दिया था 6 अध्याय के बारे में, तो किसने किसने होमवर्क किया हुआ है वो बता सकते हैं? कुछ किया है आपने स्टडी? जिसने भी कुछ अभ्यास किया है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हाँ हमने ये स्टडी किया आपने बताया तो, क्योंकि उस हिसाब से समरी होगा। अगर स्टडी नहीं होगा तो समरी नहीं होगा। अच्छा, स्नेहा गोखले पुणे से, यस, इन्होंने मुझे थोड़ा भेजा था, इन्होंने कोशिश की है स्टडी करने की। यस, एक व्यक्ति है भगवत गीता ग्रुप में, 350 के करीब लोग है ना जो एक्चुअली ऐप को देखते हैं, और सभी का टाइम हर एक का अलग अलग होता है। तो सभी लोग ये लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं हो पाते लेकिन बाद में सुनते होंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कई सारी बातें मैं आपको बताने जाऊंगा तो उसके लिए, अच्छा, स्वाति काले जी ने पुनः से कहा कि आत्मा के बारे में 3रे अध्याय का थोड़े श्लोक लिखे। अच्छा, लिखना है, ठीक है। लिखने से ज्यादा लिखना तो अच्छा ही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, संस्कृत आना जरूरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, संस्कृत आया तो अच्छा है, आपको स्मृति बहुत अच्छी होती है, संस्कृत भाषा से उच्चार स्पष्ट होने लगता है, मेमोरी अच्छी होती है, ये सब बेनिफिट्स देखे गए जिसके वजह से विदेशों में आपको आश्चर्य लगेगा, जर्मनी में संस्कृत भाषा सिखाई जाती है, अमेरिके जैसे देशों में संस्कृत भाषा सिखाई जाती है।
तो ये अच्छा है, लेकिन संस्कृत आना जरूरी नहीं है। संस्कृत के जगह पे आप भाव को समझो, चैप्टर का भाव है और उसके पीछे का अर्थ जो है उसको भी आप समझ पाए तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवद गीता ओरिजिनली संस्कृत में नहीं बताई गई, बाबा तो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मुरली चलाते हैं, तो होमवर्क बहुत कम लोगों ने किया है, इसलिए मैं अच्छा। रेशमा सांखे ने लिखा है कि 1 से 5 अध्याय का मीनिंग लिखा है, बहुत बड़ी बात है अगर आप 5 अध्याय का मीनिंग लिख रहे हैं। देखो फिर से बेसिक प्रिंसिपल को आप समझ लो, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफाई कहते हैं, जितना सरल होगा उतना बुद्धि में बैठेगा। मुरली हमारे बुद्धि में इसलिए बैठती है क्योंकि बाबा बहुत इजी करके बताता है, ये अच्छे टीचर का लक्षण होता है। शास्त्रवादियों की बात बहुत कठिन होती है, लेकिन बाबा ने वही सब्जेक्ट को बहुत इजी करके बताया। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि पहला तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे अभी ये बहन ने, रेशमा बहन जी ने कहा, तो आपको पूरे चैप्टर का टेक होम, हम अंग्रेजी में कहते हैं टेक होम, आपने अगर डेली मुरली सीक्रेट्स आप में से सुनते होंगे तो सचिन भाई एक शब्द इस्तेमाल करता है, टेक होम क्या है। टेक होम माना आज के सत्र में आप कौन सा पॉइंट घर पे जाके अभ्यास करेंगे, है ना। सचिन भाई ट्रेनर रह चुके हैं, तो ट्रेनिंग में हम 8 घंटा ट्रेनिंग लेते हैं, तो लास्ट में हम टेक होम स्लाइड्स बताते हैं। ये पूरे 8 घंटे के सेशन में आपको कौन सा पॉइंट अपने जेब में भर के लेके जाना है, जिसको प्रैक्टिस करना है, सब करेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन टेक होम को ध्यान में रखना है। ऐसे ही भगवद गीता के जो 6 अध्याय हुए उसमें टेक होम मैसेज है, माना मुख्य मैसेज है, सार जिसको कहते हैं। जैसे मुरली का सार आता है ना, तो मुरली के सार में 2 पॉइंट होते हैं, तो मेजोरिटी धारणा की बातें उसपे आ जाती है। ऐसे ही हर चैप्टर का एक टेक होम होता है, वो एक पेज का होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी 6 चैप्टर का समरी दिया गया है, क्वेश्चन आंसर दिए गए, उसको पढ़ के उसका टेक होम अपने अपने हाथों से लिखना है, उसका सार लिखना है कि पहला चैप्टर ये बताना चाहता है, दूसरा सांख्य योग ये कहना चाहता है, कर्म योग ये कहना चाहता है, उसके बगैर आपकी पकड़ नहीं आएगी चैप्टर के ऊपर। एक बार आपने हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें उसका सार आपने लिखा, ये अगर आपने कर लिया तो आपको ये पता चलेगा कि फ्लो क्या है उस चैप्टर का, और उस चैप्टर में जो भी लेखक है या गीता का आचार्य है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया। इसको आपने पकड़ लिया तो आपने आधी लड़ाई जीत ली। फिर आपको अगला स्टेप पे जाना है कि उस चैप्टर में कौन सा शब्द महत्वपूर्ण आया हुआ है, या अगर शब्द पकड़ पाए तो शुरुआत है, शब्द के बाद एक स्टांजा होता है वो श्लोक का, एक लाइन या आधी लाइन या फिर पूरा श्लोक आप ध्यान में रखा, तो वो आपकी कैपेसिटी के अनुसार है, क्योंकि वो शब्द एक प्रकार से ट्रिगर का काम करता है, वो पूरा मीनिंग को खोल देगा। जैसे मन मना भव हमने कितने बार सुना है, लेकिन जैसे ही मन मना भव हम शब्द सुनते हैं या बोलते हैं तो हमारे मन बुद्धि के अंदर एक फाइल खुलती है मन मना भव की। तो मन मना भव शब्द के साथ जुड़े हुए सभी हमारे अंदर जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है वो पूरा खुल जाता है, क्योंकि रोज मुरली में सुनते हैं, कई सारी बार आया है मन मना भव मध्याची भव। ऐसे ही संस्कृत के बहुत सारे श्लोक बाबा मुरली में कहते हैं, वो शब्दों का भी हम देंगे, एक्चुअली जो होशियार बच्चे हैं वो पकड़ लेंगे। जैसे मामे कम शब्द है, अब ये मामे कम शब्द भी भगवद गीता का है, मामे कम शरणम व्रज 18वें अध्याय में 65वां श्लोक है। तो आपको ऐसे श्लोक पकड़ने चाहिए जिसमें पूरे अनादि नियम आए हुए, जीने के नियम आए हुए, जीवन जीने के तरीके आए हुए, और तीनों कालों में ये सत्य है ज्ञान। तो ऐसी बातों को पकड़ना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप। और अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भक्ति की कौन सी बात आई है, इसमें ज्ञान योग की कौन सी बात है, इसमें संन्यास की कौन सी बात है, या इसमें कर्म की कौन सी बात है, ये भी बातें आप पकड़ने लगेंगे।
और तब आपकी मास्टरी आने लगेंगी सब्जेक्ट के ऊपर, और तभी आप गीता के भगवान की तरफ जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। सो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये चार स्टेज में आप स्टडी करना। नंबर वन, जिस्ट, टेक होम हर चैप्टर का क्या है पहले से छठे अध्याय तक। अगर आपको कठिन लग रहा है तो वो श्लोक फिर से सुनो, है ना। अब तक 18 चैप्टर हम ले चुके हैं, उसमें एक पहला जो शुरुआत है सभी शास्त्रों के बारे में, श्रुति और स्मृति के बारे में, किसने लिखा, कौन से काल में लिखा, थोड़ा टच किया है, ज्यादा डिटेल में नहीं। उसके बाद हमने पहले अध्याय से चालू किया, तो वो सुन के फिर आपको उसका सार लिखना है जो आपको समझ में आया, ठीक है ना। और चाहिए तो लौकिक भगवद गीता की सॉफ्ट कॉपी भेजे, उसको भी रिफर करना, है ना। और उसके बाद में जो टेक होम है जो आपको बताया गया है उसको स्टडी करना। आप में से अगर किसी को चाहिए तो सचिन भाई पावर पॉइंट भेज सकते हैं जो आपको दिखाया गया, लेकिन ये केवल रेफरेंस के लिए है, ठीक है। तो इतना बैकग्राउंड बताते हुए कि सार लिखना है, उसके बाद कौन से शब्द महत्वपूर्ण है वो लिखने, अगर श्लोक आपको याद आता है तो वो लिखना है और उसको मेमोराइज करना है, और फिर उसमें से आप निकाल पाओ कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग की कौन सी बातें हैं। ये अगर आप निकाल पाओ तो फिर डिसाइफर करना, माना ये ढूंढ के निकालना कि गीता का भगवान निराकार है या साकार है, ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आप सबने, जिन्होंने भी 4-5 लोगों ने होमवर्क किया उनको मुबारक हो। हम आगे बढ़ेंगे, आज हम 7वां अध्याय ले रहे हैं। अगर आपने 7वां अध्याय को समझ लिया तो आपको पता चलेगा कि एक नया डायमेंशन आज से चालू हो रहा है। अभी ये भी समझने के लिए आपको 18वां अध्याय अच्छी तरह से समझना चाहिए। 7वें अध्याय का सचिन भाई ने कल भेजा था ग्रुप में, आप में से किसने किसने पढ़ा है, जिसने पढ़ा है वो जरा चैट बॉक्स में लिखे, कल जो सचिन भाई ने भेजा था वो किसी ने पढ़ा 7वें अध्याय के बारे में, पढ़ा किसी ने क्वेश्चंस? अच्छा, रेशमा, स्वाति, अच्छा सुचंदा, 3 लोगों ने पढ़ा, अच्छा अनीता गौतम, ओके ठीक है, ओके 4 लोगों ने पढ़ा, ठीक है। 7वें अध्याय अपने आप में एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। 7वें अध्याय का जो टाइटल है वो है ज्ञान विज्ञान योग। अगर आपको स्क्रीन दिखाई देता है तो मुझे बताएंगे कि आपको स्क्रीन दिखाई देता है। हाँ भाई जी दिखाई देते। ओके ओके, थोड़ा सा ओके। तो 7वें अध्याय में आप देख रहे हैं 30 श्लोक है, और 7वां अध्याय बाबा की। अच्छा चलो, ये टाइटल के ऊपर ही मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप में से जो भी मुरली रोज सुनते हैं वो बताएंगे बाबा ने ज्ञान विज्ञान का अर्थ क्या बताया है। विज्ञान बाबा किसको कहता है? विज्ञान जब बाबा शब्द इस्तेमाल करता है तो बाबा विज्ञान किसको कहता है? मुरली में क्या जवाब दिया है, कौन बता पाएंगे? चैट बॉक्स में लिखे। योग नहीं है, योग का प्रयोग नहीं, ये अर्थ बाबा ने नहीं बताया है। बाबा ने डेफिनेटली 7वें अध्याय पर मुरली चलाई है। यस, ये जागृति बहन जी है, इन्होंने लिखा है साइलेंस, बाकी मेजॉरिटी ने योग साइलेंस लिखा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है विज्ञान शब्द का? बाबा ने स्पष्ट कहा है ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है।
इसलिए थोड़ा साकार मुरली को भी बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि बाबा भगवत गीता की ही सभी टॉपिक्स को लेकर मुरली चलाता है। हम समय आने पर इसको देखेंगे। मैं एज ऑफ नाउ मैं इसको पार्क कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि आई एम पार्किंग द क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग। तो पहले से सातवें श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान का विषय आया है, जो भक्ति मार्ग में ज्ञान का विस्तार बताया है। बहुत सुंदर है, बहुत डीप है। यहाँ पे क्रिएशन का ज्ञान है ना, जो भी आपको आंखों से दिखाई देता है वो सब का क्रिएशन ओरिजिन बताने की कोशिश की है भक्ति मार्ग वाले के ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने भी ये भगवद गीता लिखी है। पहले भी हमने देखा वेदों का सार उपनिषद में, उपनिषद का गीता में आया है, और गीता में जो आया है वो उपनिषद से आया, और उपनिषद ये वेदांत का स्पिरिचुअल नॉलेज है, और उसमें ये क्रिएशन के बारे में आया है। तो हम पहले सात श्लोक में ज्ञान विज्ञान सहित देखेंगे। आठ से बारह में ये सर्वव्यापी की बात आई हुई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले छह अध्याय में ऐसी स्ट्रेट अवे कोई बात नहीं आई थी। अभी ये सात से बारहवें अध्याय है, मैं हिंट दे रहा हूँ, जो लोग गीता का भगवान स्टडी करना चाहिए उनके लिए हिंट है कि सात से बारह एक स्टाइल है लिखने के, ये अलग लेखक की स्टाइल है, और इसमें सर्वव्यापी की बात दोबारा आई है। ये सातवें अध्याय में अभी हम आठ से बारह में देखेंगे कि भगवान कैसे सर्वव्यापी है। अंग्रेजी के शब्द है जो इस अध्याय में, जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उनके लिए आएंगे, कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, और तीसरा ओमनी क्या है इसका अंग्रेजी अच्छा है, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, और चैट बॉक्स में लिखेंगे ओमनी के साथ तीसरा शब्द कौन सा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेजी जानने वाले बाबा के बच्चे हैं जिनका अंग्रेजी काफी अच्छा है। ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट का अर्थ क्या बताया? करेक्ट, सुचंदा ने बहुत सही जवाब दिया, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट शब्द है। तो ये अंग्रेजी के तीन शब्द है, ओमनीशिएंट माने सब कुछ देखने वाला। सॉरी जस्ट वन मिनट, गिव मी, यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है। सर्वव्यापी की बात जब आती है तो हिंदी के शब्द क्या कहेंगे इसको? एक है सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, ये भक्ति मार्ग की बहुत बड़ी मान्यता है। इसके साथ और कौन सी बात आई है? सर्वव्यापी और साथ में क्या क्या करता है वो? तो ये भक्ति मार्ग की फिलॉसफी है, और इसको भी हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? देख पा रहे हैं भाई जी? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ। मुझे ये व्यू नहीं आ रहा है बराबर। ये मेघना कौन है? ये मेरे से पहले स्टेज पर जा रही है, माना स्क्रीन में। इनको आपने बाद में ऐड किया क्या? क्योंकि मैं केवल मेरा ही फोटो देखना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो क्योंकि मैं मिनिमाइज करना चाहता हूं तो मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूं। अच्छा, शायद हम ज्वाइन होते तब से ये नंबर, वो मेरे ख्याल से सेटिंग में आपको करना पड़ेगा कि हाँ होस्ट को स्पॉटलाइट करना। होस्ट को स्पॉटलाइट नहीं हुआ था इसके लिए बाकी के लोग आ रहे थे तो मेरा स्क्रीन चला जा रहा है। नाउ इट इज क्लियर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं जानना चाहूंगा हिंदी के शब्द कौन से है? कण कण में भगवान है तो हो गया, जानी जाननहार, करेक्ट, नारायण जी ने ठीक कहा। जानी जाननहार माना जो सब कुछ जानता है, ठीक है,
और सर्वव्यापी में सब आ गया, कण कण में ठिकर भीतर में है, इसलिए सर्वव्यापी एक शब्द है, एक है सर्वव्यापी, है ना, ओमनी प्रेजेंट। अभी ओमनी पोर्टेंट को क्या कहेंगे हिंदी में? ओमनी पोर्टेंट अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वज्ञ माना सब कुछ जानने वाला, ये सही शब्द है, अभिषेक जी ने काशी से बताया। सर्वशक्तिवान, ओमनी पोर्टेंट, तो सर्वज्ञ है, दूसरा सर्वशक्तिवान है और तीसरा सर्वव्यापी है। तो ये जो शब्द है भक्ति मार्ग के और ये फिलोसॉफी लेकर जो आए हैं उनका ये सातवां अध्याय है और आगे दसवां अध्याय आएगा। आप में से जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है वो दसवां अध्याय कौन सा है बगैर गूगल में देखे बताएंगे? दसवां अध्याय कौन सा है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि दसवें अध्याय तो पूरा विभूति योग, करेक्ट, विभूति योग, सही बताया, यस। इसमें परमात्मा की विभूतियां बताई कि परमात्मा कहाँ कहाँ पर है, तो ये भी शब्दों को हम देखेंगे। मैं जानबूझ के वो शब्द लेना चाहता था, संस्कृत का शब्द है विभूति। तो ये कुछ कुछ शब्द है प्रभु और विभू, इसको समझना जरूरी है, जिनको भाषा की सुंदरता समझ में आती है और जो एंजॉय करते भाषा की सुंदरता, इन शब्दों को पकड़ के चले। तो सर्वव्यापी की बात 8 से 12 श्लोक, फिर 13 से 19 में आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा बताई है कि आसुरी स्वभाव वाले क्या करते हैं और भगवत भक्त क्या करते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बाबा मुरली में कहता है कि जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी भक्ति का फल देने वाला मैं ही रहता हूं। हमने पहले भी एक श्लोक देखा, यो यतामाम प्रपद्यन्ते ताम स्तैव भजाम्यहम्, माना जो जिस जिस भावना से मुझे याद करता है उसकी भावना का फल मैं देता हूँ। यहाँ पर बताया कि जिस जिस देवताओं की उपासना करते हैं उनका फल देने वाला मैं ही हूँ। तो ये भी श्लोक यहाँ पर आए हैं। और 24 से 30 में भगवान का प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। तो थोड़ा डीप सब्जेक्ट है क्योंकि थोड़ा क्रिएशन के बारे में है। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि ये सब बातों को बाबा ने उतना विस्तार से बताया नहीं है, शास्त्रवादियों ने इसको विस्तार से बताया हुआ है, इसलिए शायद समझने में थोड़ा मुश्किल लगे। कोशिश करेंगे सचिन भाई की इन सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करें, लेट्स सी बाबा हमको कैसे मदद करता है। तो इस चैप्टर में 30 श्लोक है और 30 श्लोक में से कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक आपके सामने रखे हुए हैं। सबसे पहला शब्द है मनुष्यानाम सहस्त्रेशु, माना हजारों में से कोई एक व्यक्ति है जो भगवान को जानने की कोशिश करता है, ठीक है, और उन हजारों में से कोई एक है जो भगवान को पहचानने में परसेंटेज में सफल होता है और उनमें से कोई है जो उसको यथार्थ रूप से जानता है, ऐसा फ्लो आया हुआ है। तो यहाँ पर बाबा की कौन सी बात आती है, चैट बॉक्स में लिखे बाबा मुरली में क्या कहता है, मुरली में बाबा क्या कहता है इसके संदर्भ में। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों में एक ही व्यक्ति है, ओके, फोटो में कोई, सही बताया, पास्ट है इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं देता, पर ये इस चैप्टर का श्लोक है जो बाबा कहता है कोटो में कोई मुझे पहचान पाता है। और उसमें भी बाबा ने कहा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं, हम उसके ऊपर आएंगे। फिर इस पूरी जगत का प्रभाव और प्रलय का कारण मैं हूँ, माना इनको जन्म देने वाला और इसका प्रलय करने वाला मैं हूँ, पूरे जगत का। जगत शब्द भी यहाँ पर आया है, जगत शब्द बहुत सुंदर शब्द हम देखेंगे। बीजम मां सर्वभूतानाम, सर्वभूतों का बीज मैं हो, भूत माना वो नहीं जो आप आम भाषा में समझते हैं। संस्कृत में भूत किसको कहते हैं, संस्कृत में भूत किसको कहते हैं, वो भूत पिशाच वाला भूत नहीं है, तत्वों को कहते हैं, ठीक बताया, पास्ट को भूत कहते हैं, अच्छा प्रकृति को भूत कहते हैं, तत्वों को कहते हैं, ठीक है। So, बीजम मां सर्वभूतानाम, सर्वभूतों का बीज मैं हूं, तो उसका अर्थ भी
यथार्थ लेना चाहिए। देखो एक ही शब्द है लेकिन कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जिसको ज्ञान नहीं है अगर वो इसको इस शब्द को पकड़ ले तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली सुनते समय ऐसे वैसे को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बाबा कुछ कह रहा होता है सामने वाला समझता कुछ है। ऐसे ही शास्त्रों में भी हो सकता है अगर आपका बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है। फिर ये जो श्लोक है सचिन भाई ने बार बार कहा है, सातवें अध्याय में 14वां श्लोक है, देवी हृषि गुणमयी मम माया दुरतया। माना माया दुष्टर है, ये जो शब्द है ये भगवद गीता का शब्द है और भगवद गीता के सातवें अध्याय में 14वां श्लोक है, मम माया दुरतया। हम ये देखेंगे और पूरे सातवें अध्याय का क्रक्स श्लोक अगर आप पूछो, क्रक्स क्रक्स माना फाउंडेशन बीज, तो ये श्लोक है 16वां, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभा। मना हे भरत अर्षभ, मना भरत भारत में श्रेष्ठ अर्जुन का ये नाम है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के मेरे बच्चे हैं, चार प्रकार के बच्चे हैं। ये डेली सीक्रेट्स में भी सचिन भाई ने कुछ दिन पहले बताया था कि चार प्रकार के बच्चों में से कौन सा बच्चा भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। चैट बॉक्स में लिखेंगे कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को। यस, ज्ञानी, ज्ञानी प्रिय है। इसलिए कुछ लोगों ने अपना नाम ही ज्ञानी रख दिया। आप मानो नहीं मानो, स्वीकार करो नहीं करो, आपको प्रिय करना ही पड़ेगा, मैं ज्ञानी हूँ। ठीक है, तो वही आगे का श्लोक है, प्रियो हि ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। तो ऐसे ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। और ये लास्ट श्लोक जानबूझ के लिया, इसमें का एक ही शब्द आपको पकड़ना है, अगर पूरा पकड़ सकते तो अच्छा। प्रयाण काले पीचमाम, माना जब शरीर छूटता है, और इसी को लेके फिर 8वां अध्याय चालू हुआ है। शरीर छूटते समय आपकी जो अवस्था रहती है, आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा है, शरीर छूटते समय आपकी जो अवस्था रहती है उस भाव से आपका जन्म होता है। अगर भगवान की याद नहीं है, देहधारी की याद है, तो देहधारी के पास जाना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है सातवीं अध्याय के। हम अभी शुरुआत करते हैं विद दिस लिटिल बैकग्राउंड, लेट्स स्टार्ट 7 चैप्टर। मेरे पास और आधा आधा घंटा है। ये श्लोक है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना। तो ये तीन श्लोक है, मैं संस्कृत ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, जहाँ जरूरत है वहां पर मैं शब्दों को इस्तेमाल करूंगा। कि यहाँ पर बताया हुआ है कि अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त मैया सक्त बताया, मैया माना मेरे अंदर आसक्त मना पार्थ योगम, आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर मदाश्रया, मदाश्रय करके शब्द है, मेरे आश्रय में स्थित जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बैल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझ को संशय रहित जानेगा उसको तुम सुनो। तो भगवान शुरुआत में ही कह रहे हैं कि तुम मेरे को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। देखो ये सेकेंड श्लोक है, कश्चिन्मा वेत्ति तत्वता, उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भगवत गीता पढ़ी तो बहुत लोगों ने भगवत गीता से इंटरेस्ट लिया, इंस्पिरेशन लिया। इवन न्यूक्लियर बॉम्ब वालों ने भी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट किया तो वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, विराट रूप का जो दर्शन है, तो उनको वो आभास हुआ कि यही न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है। ठीक है, तो ऐसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस कोट है कि आई वॉन्ट टू नो दैट वन थिंग बाय नोइंग विच एवरीथिंग एल्स कैन बी नोन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलेनियम का साइंटिस्ट कहते हैं। इस समय हम जितने भी आविष्कार देख रहे हैं इज बेस्ड ऑन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है। तो उस अल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस कोट, और ये देखो ये सेकेंड श्लोक है कि इसको जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। आप कल्पना करो, एक साइंटिस्ट है, जैसे आज हमने या कुछ दिन पहले देखा कि अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, ये अभी भी लोग सोच रहे हैं इसके ऊपर। और भौतिक शास्त्र
इसको बिग बैंग थ्योरी कहता है कि एक बहुत बड़ा बैंग हुआ, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, बहुत गर्म था, उसको बिलियंस ईयर्स लगे ठंडा होने में, फिर पहले पानी हुआ वगैरह वगैरह। तो लोग पूछते हैं वो बैंग हुआ कैसे, उसका जवाब नहीं है, क्योंकि शुरुआत कोई तो करेगा ना, उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए भगवद गीता की तरफ आते हैं। आप में से कोई बताएगा कि बाकी धर्मों में किसमें क्रिएशन की थ्योरी आई हुई है, रचना की थ्योरी कौन से धर्मों में आई हुई है? आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। यस, नारायण साहू ने ठीक कहा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने इंस्पिरेशन लिया था। यस, अभिषेक भाई भी काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं, उन्होंने बाइबल का रेफरेंस दिया, जेनेसिस चैप्टर है बाइबल में जिसमें क्रिएशन का थ्योरी आया हुआ है कि कैसे रचना हुई। अच्छा, अंत काले स्त्री, अच्छा स्त्री सिमरे वल वल योनि पाए, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे जवाब दे रहे हैं। तो क्रिएशन का थ्योरी अभी बताया जा रहा है, इसके ऊपर जिन्होंने भगवद गीता की टीका लिखी है उन्होंने बहुत चैप्टर्स लिखे हुए हैं और बहुत डीप है ये नॉलेज, इसलिए सचिन भाई इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहले से कहीं पे पढ़ा है तो फिर आप इन्फ्लुएंस होने के चांसेस रहते हैं दूसरों की थ्योरी सुनकर। बाबा ने इस सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाया है, और बाबा ने कौन सा शब्द दिया है, ये लोग क्रिएशन कहते हैं, शास्त्रवादी क्रिएशन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने क्रिएशन के बारे में क्या बताया, कैसे क्रिएट किया है, बाबा का मुरली का शब्द क्या है, कुदरत, योगबल, मुखवंशी, संकल्प, अच्छा नहीं, ये रचना अस्तित्व में आई कैसे, प्रकृति के पांच तत्व आए कैसे, ड्रामा, अनादि है, दैट इज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड इज अनादि ही, इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, ये बात बहुत अच्छी तरह समझना है। अनादि शब्द परफेक्ट आंसर है। ये नाम मेरे को समझ में नहीं, मेरे ख्याल से ये हमारे भाई साहब होंगे कर्नाटक से, उनका नाम यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आरटी, अच्छा बहुत सही शब्द है, अनादि है, इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया। मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए बताता हूँ, जब जगदीश भाई आए तो जगदीश भाई का अनुभव आप सबने सुना होगा, अलग अलग दादियों ने जगदीश भाई का कोर्स किया लेकिन जगदीश भाई किसी को नहीं माने, बहुत सवाल पूछे क्योंकि शास्त्रों का पढ़ा लिखा ज्ञान था। आखिर में एक छोटी दादी उस समय जो कि कुमारी थी उस समय, तो उनके पास गए, और उस दादी का नाम क्या था कौन बताएगा, भारत में जो जुड़े हुए जिसने जिसके आगे फिर जगदीश भाई ने सरेंडर कर दिया, उस दादी का नाम क्या था, नॉट गंगे दादी, यस अभिषेक भाई काशी ने ठीक बताया, ये कुंज दादी थी। और सचिन भाई आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि सचिन भाई कुंज दादी से पर्सनली मिले हैं, बिहार में कुंज दादी रहती थी, तो कुंज दादी ने उनको कोर्स कराया और उनके सभी सवालों के जवाब थे, उसमें का एक सवाल ये था जो हम अभी देख रहे हैं। तो उनका ये सवाल था कि अगर आत्मा अविनाशी है, प्रकृति अविनाशी है, तो फिर परमात्मा को रचयिता कैसे कहा गया है, वो क्या रचता है? तो इसका जवाब आप लोग क्या देंगे, अभी तो ज्ञान का विस्तार हो गया, 7 days कोर्स में भी ये बात बताई जाती है, रिजुविनेट, ठीक है, मनुष्य सृष्टि, नहीं नहीं मनुष्य सृष्टि नहीं, आई थिंक आई नॉट कम्युनिकेटेड प्रॉपरली, भगवान को रचयिता क्यों कहते जबकि वो नया कुछ बनाता ही नहीं है, पहले से आत्मा अविनाशी है, तत्व भी अविनाशी है, तो वो रचता कैसे हुआ, वो क्रिएट क्या करता है, क्रिएट कैसे करता है, रिजुविनेट जवाब, प्रकृति और आत्मा का क्या करता है वो,
परिवर्तन, यही सही जवाब है, वो पुराने से नया बनाता है, दैट इज द करेक्ट आंसर, पुराने से नया बनाता है, वो नया नहीं क्रिएट करता है, आउट ऑफ वे हवा में से नहीं निकालता है चीजों को, आत्मा को ऐसे हवा से नहीं निकलता है, वो पुरानी आत्मा को नया बदलता है, इसीलिए उसको रचयिता कहा गया है, वो जादू मंत्र तरह कुछ नहीं करता है। तो ये स्पष्टीकरण जगदीश भाई को टच हो गया कि यस ये सही है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, उसको क्या क्रिएट करना, वो विनाश भी नहीं होती, क्रिएट भी नहीं होती, तो वो पुराने से नया बनाता है। देखो इसलिए हमको अटेंशन चाहिए और ये इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। देखो अभी मैं सवाल आपको इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका चिंतन चले, क्योंकि आप इस भगवद गीता का अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकाल पाते हो, आप अकेले में बैठोगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार इसका अर्थ निकालेंगे। तो ऐसा ज्ञान भगवान देते हैं इस अध्याय में जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो आगे देखेंगे क्या कहते हैं, ये फेमस श्लोक है जो हमारी गीता के भगवान की टीम है वो इसका भी रेफरेंस देते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेशु, ये श्लोक आप पूरा याद कर सकते हैं, कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वता, हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाला योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। एग्जैक्टली ये बात बाबा ने मुरली में कही है कि मैं जो हूं जैसा हूं बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं। अब ये बहुत कठिन है, ये क्यों नहीं जान पाते हैं, क्योंकि कठिन है, असंभव नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहे, कठिन है, क्योंकि जिस दिन आपने बाबा को जान लिया तो बेड़ा पार हो गया। हम सभी उस यात्रा पर है कि भगवान जो है जैसा है उसको समझना मुश्किल है। इसका अर्थ आप अपनी अपनी बुद्धि से निकालो, लेकिन यहाँ पर भाव ये है कि हजारों में से एक प्रयत्न करता है भगवान को जानने के लिए और उन प्रयत्न करनों में से भी कोई एक बहुत तीव्रता से लगन करता है और मुझे जानने की कोशिश करता है और उनमें से कोई एक मुझे जानता है। अभी यहाँ पर सचिन भाई एक प्रश्न पूछते हैं, आई एम नॉट प्लेइंग विथ वर्ड्स, मैं शब्दों के साथ खेल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको गहराई में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सचिन भाई का सवाल है आप सबसे ये कि हमको परमात्मा का परिचय मिला है या परमात्मा की पहचान हुई है, क्या कहेंगे आप? परिचय मिला है या पहचान हुई है? सोच के जवाब देना। अच्छा ठीक है, आप मेजॉरिटी ने, अच्छा दोनों मिले हैं, तो कौन सा अच्छा है, परिचय अच्छा है या पहचानना अच्छा है? तीसरा शब्द तो मैंने बोला ही नहीं, अनुभव, मैंने केवल परिचय और पहचान शब्द, परिचय और पहचान में कौन सा अच्छा है, पहचान अच्छा है, तो परिचय में ना बायोडाटा हो गया, बायोडाटा तो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अभी सचिन भाई का देख रहे हैं, सचिन भाई को देख रहे हैं, सॉफ्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपको सचिन भाई का परिचय है या आप सचिन भाई को पहचानते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा पहचानते हैं। अच्छा चलो पहचानते हैं, तो पूरी तरह से पहचानते हैं या परसेंटेज में पहचानते हैं? सचिन भाई को पूरी तरह से पहचानते हैं या परसेंटेज में पहचानते हैं? आपको पता है सचिन भाई जो है जैसे है कैसे, आपके सामने तो अच्छा चित्र दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे है धारणा वाले, अंदर से कैसे आप थोड़ी जानते हैं,
आप इमोशनल होके जवाब मत देना, सोच समझ के जवाब देना। पूरी तरह से जानते हैं सचिन भाई को, पूरी तरह से जानते हैं या परसेंटेज में जानते हैं? अच्छा सचिन भाई जो है जैसे है अंदर बाहर आप जानते हैं क्या? सचिन भाई खुद नहीं जानते अपने आप को? अच्छा सोचो। तो ये तो मैंने केवल आपको सोचने के लिए मजबूर किया कि हम किसी व्यक्ति को भले हम मिल रहे हैं लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, हम नहीं जानते पूरी तरह से। देखो अभी इसमें थोड़ा इमोशनल होने के बजाय हम इसको कहते हैं थोड़ा साक्षी होके, डिटैच होके अच्छी तरह से सोचना कि हमको परमात्मा का परिचय मिला है कि वो बिंदी है, वो रूप में बिंदु गुणों में सिंधु है, वो शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है ना, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ये सब क्या है? ये बायोडाटा है शिव बाबा का जिसको महिमा कही गई है और भक्ति मार्ग में इसको और मैग्निफाई किया गया है। क्या किया गया है कि स्वयं सरस्वती लिखे बैठने को और सारे जंगल को कलम बताए और सागर को स्याही बना के स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती बैठे तो भी उसका बायोडाटा पूरा नहीं हो सकता। आप कल्पना करो जिसका बायोडाटा पूरा नहीं हो सकता उसको जो है जैसा है हम जान सकते हैं क्या? अभी आप जवाब दो। जिसका बायोडाटा पूरा नहीं लिखा जा सकता है उसको अगर बायोडाटा जिसको हम कहते परिचय, परिचय ही यस देयर इज द वर्ड, ये शब्द आ गया है। इसलिए शास्त्रों में या बाबा जिसको कहता है द्वापर के ऋषि मुनियों ने नेति नेति कहा हम नहीं जानते, और कुछ लोग यहां तक पहुंच गए कि हम जान नहीं सकते हैं उसको यथार्थ रूप में। दिस इज वेयर वी एक्सेप्ट, इधर हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमने नहीं पहचाना है उसको। अभी इसको बहुत गहराई से आप यू कैन चैलेंज दिस कोट, सचिन भाई का ये व्यू आप चैलेंज कर सकते हैं और मुझे खुशी होगी अगर आप इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन थिंक ओवर दिस, मैं केवल आपके चिंतन को स्टिमुलेट कर रहा हूँ कि हजारों में से कोई मनुष्यानाम सहस्त्रेषु। और फिर अभी थोड़ा आप और चिंतन करना, जब बाबा के बच्चों को पूछा जाता है कि आप भगवान को मिले, हाँ हाँ हम भगवान को जानते हैं, जब कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है तो भक्ति मार्ग में उसका क्या भाव होता है, और हम कहते हैं हम तो शिव बाबा को जानते हैं। तो जब हम कहते हैं जानते हैं, मुझे तो बहुत वंडर लगता है जब बाबा मुरली के बाद पूछता है कई पॉइंट सुने के समझा, तो जैसे ही वो समझा बोलता है हमारे एंटीना खड़ा हो जाता है कि मैं अभी तक नहीं समझा हूं, इतने साल हो गए। इसीलिए ये सब शब्द आए, अनोएबल, अनोएबल शब्द है कि हम उसको नहीं जान सकते क्योंकि उसका परिचय वो खुद आके उसने दिया है, लेकिन उसने दिया है वो भी परसेंटेज में दिया है, पूरा नहीं दिया है, उसने ओपन रखा है और हम ये नहीं जान सकते। जैसे हमने अचिंत्य शब्द को देखा, हम नहीं कल्पना कर सकते कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है क्योंकि हमारे पास अभी उतने साधन नहीं है साइंस के कि हम कहाँ तक जा सकते, कितना एक्सपांड, हमने कितने भी टेलीस्कोप निकाले हैं लेकिन हम नहीं जा सकते। मल्टीवर्सेस क्या कंसेप्ट है, मल्टीपल यूनिवर्सेस क्या होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर हमारी लिमिटेशन आ जाती है। पर जो इगोइस्टिक होते हैं, अहंकारी होती है, वो कहते हैं शिवो अहम, ब्रह्मम सत्य है ना, जगन मिथ्या, ये सब फिलोसॉफी है, हम इसके ऊपर आगे जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर चिंतन करो, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु सातवें अध्याय में तीसरा श्लोक, आगे जाएंगे क्रिएशन की थ्योरी के ऊपर। मैं चाहता था कि आप इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए आपको भक्ति मार्ग का थोड़ा बैकग्राउंड होना जरूरी है।
क्योंकि भक्ति मार्ग की मान्यताएं अलग है और बाबा ने जो ज्ञान दिया वो अलग है, इसलिए मैं बाबा के उन बच्चों को भाग्यवान समझता हूँ जिन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है। अगर शास्त्र पढ़े होते तो यहाँ पर बहुत डाउट आ जाता। ये अष्टदा प्रकृति करके एक शब्द आता है, अष्टम है ना, आठ। आपको परा और अपरा किसने शब्द सुना है? परा और अपरा प्रकृति इस अध्याय के शब्द है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अच्छा, प्रकृति को आप क्या समझते हैं बाबा के बच्चे? थोड़ा इजी जाएंगे हम। प्रकृति को क्या समझते हैं? पांच तत्वों को प्रकृति समझते हैं। अच्छा, प्रकृति माना पांच तत्व। और कुछ समझते हैं प्रकृति को? जड़ तत्व है। और कुछ समझते हैं? परा प्रकृति, स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। अच्छा, मतलब प्रकृति, यहाँ पर ये शब्द जो आया हुआ है ये अलग अलग कनोटेशन से आया हुआ है। अच्छा, ब्रह्म भी प्रकृति है, लोक भी प्रकृति है। देखो, चिंतन करो इसके ऊपर। मैं श्लोक को पढ़ लेता हूँ पहले, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगा। सचेतन अचेतन प्रकृति है, ठीक है। श्लोक देखो, ये श्लोक चौथा और पांचवा श्लोक है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में मना भिन्ना प्रकृति रष्टधा। और इस ये अष्टदा प्रकृति है, इसमें आठ बातें है। अष्टदा माना आठ बातें, कौन कौन सी है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव अहंकार, माना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। तो देखो, यहाँ पर मन बुद्धि और अहंकार इनको भी प्रकृति के अंग बताया गया है। होमवर्क लिख लो आप होमवर्क, क्योंकि मैं चाहूंगा, हम सब साधना में है, जनवरी मास है, तो मन बुद्धि और अहंकार ये प्रकृति में कैसे आते हैं? कोई चिंतन करके हमको इसका अर्थ बताए। नो इमरजेंसी, कोई जल्दबाजी नहीं है। एज पर दिस श्लोका ऑफ सेवन चैप्टर फोर्थ वर्स, सातवीं अध्याय का चौथा श्लोक ये कहता है कि पृथ्वी आप तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। और इस प्रकृति का एक नाम है, इसको कहते अपरा प्रकृति, अपरा, या जिसको जड़ प्रकृति कहा है। तो मन बुद्धि और अहंकार को जड़ कहा हुआ है यहाँ पर। नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट बाबा सेज एंड व्हाट दिस श्लोक इज सेइंग। मन बुद्धि को भी जड़ कहा है इन्होंने और अपरा प्रकृति का हिस्सा बताया। किसी को आ रहा है इसका स्पष्टीकरण क्या है, कैसे ये हुआ, क्यों ये थॉट आया होगा कि मन बुद्धि भी या अहंकार भी अपरा प्रकृति का हिस्सा? और इसके अगेंस्ट में इससे दूसरी प्रकृति जिसको संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वो मेरी जीव रूपा जीव भूता महाबाहो धारियते जगत, जिसने जगत को धारण किया है वो है परा प्रकृति या चैतन्य। तो एक चैतन्य है और एक जड़ है। चैतन्य को परा प्रकृति कहते हैं और जड़ को अपरा प्रकृति कहते हैं। बॉडी कॉन्शियस तो हो गया, सब जगह पे बॉडी कॉन्शियस ही है। परा माना ब्रह्म लोक जहां आत्मा रहती है। अच्छा, तो फिर शरीर का हिस्सा समझते हैं मन बुद्धि, ठीक है, क्योंकि शरीर में आने के बाद ही मन बुद्धि अहंकार एक्टिवेट होता है, परम धाम में नहीं। ग्रेट, एक्सलेंट, बहुत अच्छा चिंतन है। क्यों ये शरीर के साथ नष्ट हो जाती है? अच्छा, गुड। तो आप ये कहना चाहते हैं जब शरीर छूट जाता है तो मन बुद्धि खत्म हो जाते हैं? चिंतन करो, इतना इजी नहीं है। अगर समझो आपको शरीर भी नहीं मिला है, आप सूक्ष्म शरीर के साथ भटक रहे हैं, तो क्या आपका मन बुद्धि नहीं है वहां पे? मन बुद्धि तो होता ही है ना, तो इसको जड़ क्यों कहा गया?
चिंतन करो। यस, तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, मैं इसको पार्क कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन विच आई एम पार्किंग हियर, जो आपको चिंतन करना है कि कैसे ये अष्टदा प्रकृति परा प्रकृति है। कंसेप्ट नया कंसेप्ट है, आगे चलते हैं छठा श्लोक। और फिर परमात्मा कहता है कि हे अर्जुन, संपूर्ण भूत, नाउ मार्क दिस वर्ड, भूतानी सर्वाणी, भूतानी सर्वाणी ऐसे शब्द आया है, उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा, ये संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय मैं हूं, और संपूर्ण जगत का मूल कारण भी मैं हूं। अब ये कैसे संभव है? दिस इज क्रिएशन, इनको उत्पन्न करना और इनको समाप्त करना ये मेरे हाथ में है, मैं इसका मूल कारण हूं। आई एम द रूट। चिंतन करो, ये सीधा स्पष्ट अर्थ नहीं ले सकते हम, ये किस तरह से है। यहां पर लोगों ने चिंतन किया है जेनेसिस के बारे में कि कैसे प्रकृति निर्माण होती है। तो पहले हमने देखा चौथे पांचवें श्लोक में अष्टदा प्रकृति और इससे परे परा प्रकृति। आप अपनी बुद्धि के अनुसार जो बाबा का ज्ञान सुना है उस आधार पर समझने की कोशिश करो कि अष्टदा प्रकृति में क्या क्या आता है और परा प्रकृति में क्या क्या आता है, चिंतन करेंगे। दूसरे ये छठे श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले, मतलब परा और अपरा जब मिलते हैं तब वो उत्पन्न होते हैं। क्रिएशन हैपेंस व्हेन परा अपरा मिलता है, और इस जगत का प्रभाव तथा प्रलय मैं हूं, और संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूं। और ये संपूर्ण जगत कैसे मेरे अंदर गुफा हुआ है, तो सूत्रे मणिगणा इव, मना जैसे मणि होते हैं ना धागे में गुथा हुआ है, वैसे ये पूरा जगत मेरे अंदर, मैं सूत्र हूं उसमें वो गुथा हुआ है। नाउ दिस इज, इसलिए मैं कह रहा हूं सातवां अध्याय टोटली डिफरेंट ऑथर देन द फर्स्ट सिक्स चैप्टर, ये आपको पकड़ में आ जाएगा कि यहां से कोई और भगवत गीता बता रहा है, अलग ही फिलोसॉफी आ रही है। तो ये चौथा पांचवा छठा और सातवा, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, और ये संपूर्ण जगत सूत्र में मनियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे ये जितनी भी प्रकृति दिखाई देती है, प्रकृति यहाँ पर अभी मैं जब शब्द इस्तेमाल करता हूँ, आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब ये क्या है, मणि के समान है। और वो किसमें गुथी हुई है, जैसे धागे में मणि डाले हैं वैसे ये प्रकृति गुथी हुई है। तो यहाँ पर कौन सी बात आ रही है बाद में, फिर से कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है जो तीन शब्द हमने देखे थे, सातवा श्लोक किस तरफ लेके जा रहा है हमको, किस दिशा में लेके जा रहा है। यस करेक्ट, सातवां श्लोक हमको सर्वव्यापी की तरफ लेके जा रहा है। तो ये आप ना कोई भी चैप्टर जब स्टडी करोगे तो आपको फ्लो पता चलेगा, पल्स कैसे शुरुआत हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है वो चैप्टर, और धीरे धीरे किस दिशा में जा रहा है, ये पल्स को पकड़ना आपको आना चाहिए। तो पल्स को जब आप नाड़ी को पकड़ लेंगे कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि यहां तक हमको वो लेके आया है। फिर से शुरुआत अगर देखें कि मेरे अंदर आसक्त हो, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको अभी तक किसी ने नहीं जाना था, हजारों में से एक ही जानने की कोशिश करता है, और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, मैं अथॉरिटी हूँ, हाईएस्ट अथॉरिटी, ज्ञान का सागर मैं हूँ, जो मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता है। सभी लोग शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, मैं कोई हाथ में शास्त्र लेके सुनाता नहीं हूँ, मैं अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में केवल दो शक्ति है, दोनों मेरी शक्ति, एक परा और अपरा, और दोनों के संयोग से सभी भूत उत्पन्न होते हैं जो भी आप आंखों से देखते हैं, इसलिए मूल कारण मैं ही हूँ।
मेरे अलावा और कोई कारण नहीं है, संपूर्ण जगत ये मणियों की तरह है और मेरे अंदर गूंथे हुए है। अभी इसको आप स्पष्ट कैसे करेंगे? प्लीज ट्राई, आप में से कोई ट्राई करना चाहता है कि मणियों के समान मेरे अंदर ये सब गूंथे हुए है? गूंथना समझते हैं, वो मणि डालते हैं ना धागे के अंदर जिससे माला बनती है। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, ऐसे श्लोक आता है। कैसे, किस तरह से, इसका स्पष्टीकरण क्या है? हर बात का स्पष्टीकरण है। ओके, इट्स टेकिंग टाइम, नो इश्यू, टेक योर टाइम। वैजयंती माला बाबा ही तैयार करते, ये आ गए बाबा के बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है, बाबा के ऊपर निश्चय है। ब्रह्म लोक में सब मणियों की तरह है, यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पर ये सभी लोग कैसे उसमें गिने हुए? चलो ब्रह्म लोक में है, नीचे का क्या है? पांच तत्वों की दुनिया में क्या है मणियों के समान? और वो कैसे पांच तत्व? बाबा एक कहा, बाबा ने कहा सारा सूत मूंजा हुआ है। तो आप ये कह के क्या कहना चाह रहे हो कि सारा सूत मूंजा हुआ है? वो मूंजा है किसने? हमने ही मूंजा है, ये सब शास्त्र हमने ही लिखे हैं। ओके, तो जैसे हमने पल्स को पकड़ा था, देखो आगे का श्लोक मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने केवल हिंट दिया था कि अभी ये जो भी लेखक है भगवत गीता का, आचार्य है, गीताचार्य है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो लेके जा रहा है सर्वव्यापी की तरफ। और एग्जैक्टली आगे के दोनों श्लोक उसी रूप में जा रहे हैं। देखो अभी कैसे आ रहा है, ये है आठवा और नौवा श्लोक। क्या कह रहे हैं अर्जुन? रसो हम कि जल में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, सर्व वेदों में ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ। यहाँ तक ठीक था, आगे भी चलो। पृथ्वी में पवित्र गंध, पृथ्वी ये तत्व गंध के साथ जाता है, गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं हूँ और तपस्वियों में तप मैं हूँ। और फिर कहता है बीजम मा सर्व भूतानाम, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। सर्वव्यापी की बात आपको पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये कैसे संभव है, कैसे संभव है कि हर जगह पे भगवान है, इसका भाव क्या है। लास्ट में हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कोई आंसर देना चाहेगा? बिकॉज आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर विथ होमवर्क। सभी एक दो से जुड़े हुए हैं। कल्प वृक्ष का बीज रूप है, गुड नारायण भाई, अच्छा जवाब दे रहे। हम जहां याद करते हैं वी कैन रिमेम्बर गॉड एनी वेयर, परमात्मा को गुणातीत कहा है, तो गुणातीत का कनेक्शन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्यों है? सर्वव्यापी की बात इन्होंने कैसे उठा ली, किस भाव से उठा लिए? आज मुझे किसी ने कहा था कि भगवत गीता में गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए हम ये दो तीन श्लोक बता देंगे तो बहुत है, अगर इतना इजी होता तो अब तक हो चुका होता। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यस, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसका यथार्थ स्पष्टीकरण दे। यस, आप सब भक्ति मार्ग के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये पता चल रहा है कि आपने चिंतन किया हुआ है। मैं दसवें श्लोक पर रुक रहा हूँ, आप इसका स्टडी करना। बीजम मा सर्व भूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तो ये तीन श्लोक है, आठ नौ दस, और इसमें जो गीता का लेखक है उसने कौन सी बात की? तो सातवें अध्याय में हमने दस श्लोक देखे है और ऐसी बात कही है कि जिसमें परा और अपरा प्रकृति, अष्टदा प्रकृति और परा प्रकृति है। तो मैं आपको होमवर्क ये चाहता हूँ कि कैसे क्रिएशन आता है
और क्रिएशन का हिंट भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैं अगर अभी बोल दूं तो आप उस दिशा में सोचना चालू कर देंगे। हिंट केवल इतना ही है, हिंट है इस श्लोक में क्रिएशन का, आपके सामने आठवां नौवां दसवां श्लोक है, इसमें पूरा हिंट दिया हुआ है कि कैसे क्रिएशन होता है। आप में से जो स्टूडियस होंगे वो इसको पकड़ लेंगे कि कैसे ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ रहेगा, इफ एट ऑल इट हैज क्रिएटेड। लेकिन जो स्पष्टीकरण दिया है शास्त्रवादियों ने, वो इन तीन श्लोकों में उसका जवाब आया हुआ है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर विथ सम क्वेश्चंस। आपको होमवर्क दिए है वो आप करना, क्योंकि सचिन भाई को अभी ड्यूटी पर जाना है, ओमिक्रॉन काफी बड़ा हुआ है। ओके, इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपसे क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आई एम एग्जिटिंग द प्रेजेंटेशन। ओके, एनी क्वेश्चंस प्लीज। ओके, नो क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो बातें अभी तक आए इस काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि हम अभी अलग डायमेंशन में जा रहे हैं। भगवत गीता के दूसरा फ्लो चालू हो रहा है क्रिएशन का, आठवां अध्याय भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर नौवां राजकीय योग है, विभूति है, विराट रूप है, ये सब हम देखने वाले। दो मिनट बाबा को थैंक्स देंगे और वी एंड द सेशन। बाकी आपको किसी को कोई गाइडेंस चाहिए तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर द डे। आज का सत्र हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम शांति।